यूपी सरकार नौ निहालों को सेहतमंद रखने के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च कर रही, तो वहीं पीलीभीत में नौ निहाल कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं मासूम के कुपोषण होने की खबर से स्वास्थ्य विभाग व बाल विकास विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आंगनबाड़ी बच्चे के परिजनों के साथ उसे पीलीभीत एनआरसी लेकर पहुंची है। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां के रामपुर बकैनिया गांव के रहने वाले रामसागर का बेटा शुभ बताया जा रहा है। डेढ़ साल का हो जाने पर भी उसका वजन मात्र 7 किलो का है। वहीं आंगनबाड़ी का कहना है मासूम कुपोषित है, जिसे जिले पर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं मासूम की मां बिताना का कहना है उसे डॉक्टर ने बताया है उसका बच्चा कुपोषित है। वहीं मामले में विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और खान पान अच्छा न होने की कमी के चलते बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। साथ ही चिकित्सकों का कहना है डेढ़ साल के बच्चे का लगभग 10 किलो से 12 किलो तक वजन होना चाहिए। नौ निहाल शुभ का वजन आखिर 7 किलो कैसे है? ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर किसकी कमी और लापरवाही से एक मासूम कुपोषण का शिकार हो गया। फिलहाल मासूम के परिजन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ जिला मुख्यालय इलाज के लिए एनआरसी लेकर रवाना हुए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ब्लॉक क्षेत्र में कई बच्चे कुपोषण की चपेट में आ गए हैं। पीलीभीत से दानिश सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बताओ बिटाना, क्या हुआ आपके बच्चे को? जी कुपोषित है। किसने बताया आपको? डॉक्टर साहब ने बताया। तो अब कहाँ लेके जा रही हैं इसे? जिला अस्पताल लेके जा रही हैं। साथ में कौन जा रहा है? मम्मी जा रही है। आशा भी जा रही हैं। आंगनबाड़ी भी जा रही हैं। मैं एक शुभ नाम का बच्चा है आपकी ग्राम पंचायत बकैनिया का, तो उसे क्या दिक्कत है, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये बच्चा मेरा कुपोषित है, मैंने वजन लिया, इसका वजन 7 किलो केजी 7 किलो है और 7 किलो में ये अभी कोई इसका वजन बढ़ा नहीं है, इसीलिए बच्चा कुपोषित है मेरा। हम जिले पे दवाई के लिए ले जा रहे हैं। कौन सी ग्राम पंचायत का बच्चा है? केंद्र बकैनिया।